तकरीबन अभी हम लोग लैंसडाउन में हैं और हमें एक लोकल सर मिले हैं, एक्स आर्मी से हैं, या मिस्टर रतन सिंह जी हैं हमारे साथ। थोड़ा सा बताएंगे लैंसडाउन के बारे में, तो मैं इनसे इंट्रोडक्शन, आप थोड़ा बताएंगे हमें यहाँ के बारे में सर। यहाँ का मेन जो है लॉर्ड लैंस थांग्रेज, लॉर्ड लैंस अंग्रेज के नाम से लैंसडाउन पड़ा, उसे इसका पुराना नाम कालोडर्ना है, जो अभी भी लिखा हुआ है लैंसडाउन सिटी में। और यहाँ पे लैंसडाउन का टिप्पन टॉप एक सबसे अच्छा वहाँ से व्यू दिखता है, और उसके ठीक सामने ये चौखम्मा पड़ता है। चौखम्मा इसलिए बोलते हैं कि वो तीन चोटी इधर से दिखाई, एक चोटी जो है वो चाइना की तरफ है। जैसे कि अभी आपने देखा गाइस, हमें एक अंकल मिले कर्नल रावत जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी ज्ञान की बातें बताई। सनराइज हमने देखा मॉर्निंग में, सुबह सुबह काफ़ी मज़ा आया। देखो हम तीनों आए हुए हैं घूमने लैंसडाउन, लॉर्ड लॉरेंस ने जो बनाया था 1887 में। मॉर्निंग एवरीवन, सुबह सुबह की चाय चल रही है हम लोगों की, पीछे हिमालयस है हमारे, आप देख रहे हैं, और सामने से सन राइज हो चुका है और सन की किरणें हमारे ऊपर आ रही है, और ब्यूटीफुल नज़ारा है। सुबह सुबह ना नाश्ता तो नहीं पता, लेकिन धूप खा के घर में जा रहे हैं, देखिए हमारे पीछे धूप है, और बैठे हैं आराम से रिलैक्स कर रहे हैं चिल मोड में। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, सामने हिमालय दिख रहा है, राइट हैंड साइड में धूप निकल के आ रही है, एस प्लेस जरूर आई है। थोड़ी सी हिस्ट्री नहीं बता पाया लैंसडाउन की, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए लैंसडाउन कुछ नहीं है, लैंसडाउन लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे, लैंसडाउन नाम पर है। लॉर्ड लैंसडाउन ब्रिटिश रेजिमे के, ब्रिटिश टाइम के, उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन। 1887 में उनके नाम पे इसका नाम रख दिया गया लैंसडाउन। 1887 में ये बना था। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट जो है उनकी ट्रेनिंग यहीं पर होती है लैंसडाउन के अंदर। यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ लैंसडाउन, यू विल आस्क मी, इज़ इट वर्थ टू विजिट लैंसडाउन? यस डेफिनेटली, मैं डेफिनेटली कहूँगा लैंसडाउन आइए। 5 से 6 घंटे के अंदर दिल्ली NCR के पास इससे खूबसूरत लग जगह हो ही नहीं सकती। भीड़ भाड़ से दूर, अनपोल्यूटेड, पीसफुल एनवायरमेंट, क्या चाहिए यार। लोग परेशान हो गए हैं नैनीताल, मसूरी, शिमला, मनाली जा जाके, इतनी भीड़ भाड़ होती है। मैं पीक टाइम पे आया हूँ उस टाइम पे, ये दशहरा है। देखिए टिपन टॉप आ चुके हैं, ये GDV साथ में है हमारे। और ये देखिए पीछे वो से वीडियोग्राफी हो रही है श्वेता द्वारा। ये देखो हमारे मॉडल मिस्टर यूवी, उफ यूवी यू ब्रांच। मेरे टिकट्स कितने की है टिपन टॉप? एक का 20 है। एक का 20? तीन टिकट्स दे दिएगा हमारे को। क्या क्या पॉइंट्स है ऊपर देखने के? व्यू पॉइंट है वन ओनली। व्यू पॉइंट्स है खाली। तो 20 रुपीस की टिकट्स है। थ्री टिकट्स। 20 रुपीस की टिकट्स है यहाँ पे फॉर ईच पर्सन।
सो फाइनली वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टिप एंड टॉप पॉइंट। ऊपर अभी हमें पता चला है कि कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। लेट्स सी क्या क्या है, क्या व्यूज़ आते हैं वहाँ से। आई थिंक टिप एंड टॉप नाम है तो कुछ ना कुछ तो अच्छे व्यूज़ हो गए वहाँ पे। तो गाइस फाइनली कैसा लगा आपको टिप एंड टॉप, हम घूम के आ चुके हैं। ये व्यू हमें अपने होटल से मिला था बैठे बैठे कदमों में दुनिया रख के, और यहाँ आके हमने एक्स्ट्रा कितने दिए, 20 रुपए नीचे, 150 रुपए एंट्री चार्जेस, एंड देन अगेन यहाँ पे 20 रुपीज। एक बार जो भी है देखिए टिप एंड टॉप पे आए आप, हिमालय रेंजेस का व्यू देखें, क्योंकि हमारे होटल से व्यू था इसलिए हमें इतना पसंद नहीं आया। बट आप लोग अगर घूमने आ रहे हैं टिप एंड टॉप आइए, 20 रुपीज की एंट्री टिकट है, पार्किंग टिकट 20 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ खर्च होगा एक बंदे का, और काफ़ी मज़ा किया हमने, एंजॉय किया। अभी हम आपको दूसरे पॉइंट दिखाते हैं, भैया से जरा वो ले लें, भैया 40 रुपीज़ देंगे हम। वहाँ चर्च, सेंट मैरी चर्च देखने चल रहे हैं हम लोग, और जा रहे हैं तो लेक चल रहे हैं। कौन सी लेक है, भला लेक, भुल्ला लेक। लेंस टाउन के अंदर 3-4 पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं। एक है आपका टिप एंड टॉप जो अभी हमने आपको दिखाई दिया है, भुल्ला लेक अभी हम जा रहे हैं। चर्च में सेंट मैरी चर्च आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर रूम है बिल्कुल हमारे पीछे, ये देखिए पूरा चर्च है, ये पीछे की तरफ चर्च है, ये छोटा सा चर्च है काफ़ी खूबसूरत सा। आप यहाँ आए प्रेयर करें और यहाँ पे लेंस टाउन में आके यहाँ का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। सेंट मैरी चर्च के सामने हम जा रहे हैं कैफ़े में, क्योंकि जेडी को भूख लगी हुई है, उसे मोमोज खाने या मैगी खानी है। देखिए वेज मैगी। ओहो ट्रैकिंग पॉइंट है, ट्रैक करने के लिए अच्छी जगह है वो। देखो वहाँ माउंटेन्स में बादल आ रहे हैं, वो पीछे की तरफ पूरा हिमालय है हमारे, अच्छे व्यूज है यहाँ पे यार, मौसम भी काफी अच्छा है। ये अभी हम जा रहे हैं भुल्ला ताल जस्ट सेंट मैरी जो चर्च है उसके पीछे से ही रास्ता है पैदल जाने का, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है 10-15 मिनट का, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। काफ़ी इन्जॉय किया, खाना खाया, बहुत ही अच्छा है ट्रैवल कैफ़े, वहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा है। जब भी आप लेंस टाउन आएँ तो वहाँ जरूर जाएँ। अभी हम हैं भुल्ला लेक, भुल्ला लेक में बोटिंग्स होती हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी लेक है, यहाँ पे काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं। इस भुल्ला लेक के अंदर अगर आपको एंट्री टिकट है 150 रुपये की, और बोटिंग भी कर सकते हैं उस 150 रुपये में, लेकिन काफ़ी नंबर आता है 2-3 घंटे के अंदर, तो हम तो नहीं जा रहे वहाँ पर। बट अगर आप जब भी आएँ तो भुल्ला लेक में बोटिंग करें, काफ़ी आनंद लें आके,
लेक का, मजा आएगा आपको। क्या नाम है आपका? लक्ष्य। नाम है आपको। लैंसडाउन में कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। अभी भुल्ला लेक में वोटिंग भी की आपने? नहीं, अभी वेटिंग है। किसके साथ आए हुए हैं यहाँ पे आप? मैं अपने नानू नानी के साथ आया हूँ। नानू नाना के साथ आए हुए। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं दिल्ली के आसपास रहने वाला। दिल्ली के आसपास। तो अच्छा लगा आपको काफी लैंसडाउन में, तो आप सबको बोलेंगे कि यहाँ पे आए एक बार? बोले इसमें आप यहाँ पे आए, बहुत बढ़िया जगह है। देखिए ये लक्ष्य हैं छोटे से हमारे सब्सक्राइबर, और ये बोल रहे हैं कि लैंसडाउन जरूर आएँ, काफ़ी खूबसूरत जगह है, बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ है। थैंक यू लक्ष्य। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, तो यही लैंसडाउन का मार्केट है जो कि फेमस मार्केट है, जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। लैंसडाउन जो है 6 किलोमीटर रेडियस में पूरा बसा हुआ है, ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं बसा हुआ। अभी हम लैंसडाउन मार्केट में हैं, जो कि लैंसडाउन जो है सिर्फ 6 किलोमीटर रेडियस में ही है, जो आप देख रहे हैं छोटा सा एरिया है, छोटा सा मार्केट है। यहाँ आने के लिए कनेक्टिविटी दिल्ली से अपनी सेल्फ गाड़ी से आ सकते हैं, 5 से 6 घंटे लगेंगे। वीकेंड के लिए आउटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। अगर कोई किसी के पास अपनी सेल्फ गाड़ी नहीं है तो वो ट्रेन से आ सकता है या बस से आ सकता है। ट्रेन से आने के लिए कोतवाल तक ट्रेन आती है, वहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी या बस मिल जाएगी। यहाँ आने के लिए 35 किलोमीटर है यहाँ से कोतवाल, हार्डली 1 से 1.5 घंटे लगते हैं वहाँ से पहुँचने में। यहाँ रूम चार्जेस भी यहाँ काफ़ी सस्ते हैं, आपको आराम से रूम मिल जाते हैं, आप 1000 रुपये से लेके 4000 की रेंज में, डिपेंड करता है आपको किस कैटेगरी में लेना है।